बोल रही है पता है क्या, जैसे बर्गर के बीच में पैटी होती है ना, मैं तो कम मुंह खोलो मुंह खोलो कुछ ही दिन, तीन चार दिन होंगे, चार पांच दिन। दूसरा लेके देंगे इधर, वो तो है ना सूट वगैरह साड़ी वगैरह, जिसके पास साड़ी होगी वो साड़ी रखेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सईद हुसैन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम सब गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ताली नहीं बजाऊंगी, तालियां नहीं बजाऊंगी, बिकॉज फिर वो एडिटिंग के टाइम अजीब सा लगता है, वियर्ड सा, इरिटेटिंग सा। तो मैं बता रही थी कि आज नए दिन के सामने आप व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और उसी के साथ साथ हम लोगों को जाना है शॉपिंग पे। अभी जो है शॉपिंग पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुई है, अभी फिर से जाना है। तो अभी थोड़ी देर के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह निकलेंगे, और अभी बज रहे हैं 12:30। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है बिकॉज़ मैं इंटरमीटेंट फास्टिंग करती हूँ। इंटरमीटेंट फास्टिंग क्या है बहुत सारों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ कि एक लाइक टाइम होता है जिस टाइम में आप खा सकते हो, जिस टाइम में आप नहीं खा सकते हो। तो मैं 12 से 7 बजे तक खाती हूँ, मतलब इस टाइम के 12 या 12:30 तक मैं खाती हूँ। फिर उसके बाद रात को 7 बजे मैं डिनर कर देती हूँ, 7 बजे से पहले पहले। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ, सिर्फ पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे यस 12 से, तो इससे जल्दी वेट कम हो जाता है, और यस इट्स गुड फॉर योर हेल्थ बट नॉट फॉर योर स्किन, अगर आप पानी ना पियो तो। मैं 3 से 4 लीटर पानी दिन में पीती ही पीती हूँ। तो अभी वही मेरा फास्टिंग खोलने का टाइम है, और मैंने अभी ये चाय पीनी है। हाँ ऑब्वियसली चाय पीऊँगी बिकॉज खाना मुझसे खाया नहीं जाता है, चावल मुझसे खाए नहीं जाते हैं, तो चाय पीऊँगी। लिप्टन चाय नहीं, शुगर मैंने टोटली अवॉइड की हुई है, नून चाय पीऊँगी। बाय द वे आप लोगों की फेवरेट चाय कौन सी है, नून या लिप्टन, नून चाय या लिप्टन चाय, ज़रूर बताना कमेंट्स में। तो सिर्फ कश्मीरी लोगों को वैसे पता होगा कि नून चाय क्या होती है। तो अभी मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद देखते हैं क्या करते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ये दो मुझे दो, मैं पीऊँगी, दे दो, पियो पियो मी मी। सबसे पहले पानी भर के रखती हूँ, सो दैट पानी अपना टारगेट पूरा कर सको। आई गेस छोटी दीदी ने छली जला दी है। छोटी दीदी ये क्या जलाई हुई जली हुई बनाई है तेने, और क्या है ये जली है, ये किस पे सेकी है, क्या बहन क्या, ये किस पे सेकी है, हाँ टेस्टी फीकी है, मैं नहीं खाती। ट्राई करने में क्या जाता है ना, फीकी है ना, ये फीकी है, इसको नून चाय से ज़्यादा मज़ा आता है, अगर आपने कभी ट्राई किया होगा तो। अभी नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। अभी बच रहे हैं 2:45, और मैं होने लगी तैयार जाने के लिए, और हमने लंच तो मैंने करना नहीं था बिकॉज मैंने ब्रंच कर लिया है। सो ब्रंच इज़ लंच और ब्रेकफास्ट का मिक्सचर मिला के एक ही चीज़। तो मैं तैयार होके फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज यस आई एम रेडी, और मैं सच में भी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, सब मेरा बाहर वेट कर रहे हैं, सो जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले क्विक आउटफिट चेक, सो यस लेट्स गो। गाइस हम लोग जहांगीर चौक पहुंच गए, अब जहांगीर चौक से जा रहे हैं लैम्बर्ट लेन जाना है या फिर वो सिटी वॉक, तो फिर सो व्हाट, दिस इज द रूट ब्रो, दिस इज द रूट, यही तो रूट, एक ही रूट आप, मैं कहां से जाऊं, पहले राजबाग जाऊं, फिर राजबाग से फिर सिटी वॉक मॉल आऊं, अजीब जैसी, बता कहां जाना है, यहां ना सिटी वॉक मॉल जाना है, वहीं से लाएंगे कपड़े। यस लेट्स गो। खोलो मुँह हम खोलो, मक्खी चली जाएगी, मक्खी चली जाएगी, मक्खी, जैसे बर्गर के बीच में पैटी नहीं होती है ऐसे में तुम दोनों के बीच में फंस गई। वाह दीदी ने जोक मारा, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं नीचे नीचे लिख के रखूंगी दीदी ने क्या जोक मारा था। बोल रही है पता है क्या, जैसे बर्गर के बीच में पैटी होती है ना, वैसे मैं तुम दोनों के बीच में पिचक चुकी हूँ। सच में भी यार हम तीन बैठे हैं ना ऑटो में, तो मैं बड़ी दीदी और बीच में छोटी दीदी पिचक गई है। सो गाइज दिस इज़ द बैक साइड ऑफ सिटी वॉक मॉल, तो हम लोग यहीं से अंदर जा रहे हैं।
हैदर, हैदू, हैदू, उसने ट्रेन देखी दीदी, बस आज तुझे चढ़ाना पड़ेगा हैदर को ट्रेन में। ना कर रही है किसको पूरा एग्जाम कब आए थे परसों? कुछ ही दिन, तीन चार दिन होंगे, चार पांच दिन। अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भरोसा कर, हमने हाँ कहा ना, वो बोल रहे उस दुकान के आपको 50% ऑफ कर किन, मुझे वन बाप से गलत करो येलो सी ग्रीन कलर कैसा है, जरा दिखाओ, सी ग्रीन, सी ग्रीन सेम पिंच हो जाएगा, हाई फाई हो जाएगा। ऐसा कैसे फेस दिखी आप, क्या बोलना चाहते हो? मेरे फेस पे नहीं रेंज में है, मगर छोटी पीस वाला है, छोटी है ना शर्ट, तू कहां लगाएगी? हां यार, चीज शरा रही है दर, वो परेशान है, दुबदा और दुबदा और आनी नहीं आ सकी। Give me one. No, I don't want your high five. I want this choco stick. Give me this. This. So guys, अभी हम लोग आए हुए हैं Pick and Choose पे, because कुछ सामान लेना था, तो यहाँ से निकल के direct obviously घर जाएंगे। So yes, हैदर ने सबको एक टांग पे तरफ से खड़ा रखा है, क्योंकि हैदर को सिपर चाहिए थी। दूसरा लेके देंगे हैदर, क्या चाहिए? यही वाला चाहिए? हाँ ये रखो, दूसरा लेंगे फिर, कौन सा वाला? यही वाला। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं टेलर के पास, क्योंकि दीदी को कुछ ऑल्ट्रेशन करवानी है। सो यस, चलते हैं टेलर के पास। आज मैं बोलना चाहती हूँ गाइस, आज तुम लोगों को सुनना पड़ेगा कि मैं आज सच में थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थकेली हूँ मैं इस टाइम। फाइनली हम लोग बुटीक पे पहुँच गए। बड़ी दीदी तू इसको देख, हाँ जरा एक मिनट छोड़ दी, ये क्या की है दुपट्टे? इसने पूरे, जरा चल, पूरी दुनिया की सफाई की दीदी के दुपट्टे ने। कैसा लगा आपको? आनी अच्छी लगती है? दुबदा ना ना, ज्यादा अच्छी कौन लगती है? He calls me दुबदा, हाँ भाई दादा। जिंजर दरवाजा खोल, खोल ना, बोलती है ना। जरा बोलो अम्मी को, बोलो अम्मी को, बोलो डोर ओपन द डोर, ओ अम्मी को अम्मी बुलाओ, जरा बुलाओ ना। अच्छा जिंजर को बोलो ओपन करो। और आप लोगों को मैं बताना भूल गई थी कि हम लोगों ने पाकिस्तान से फिर से कपड़े लिए, बिकॉज हम लोगों को आदत होगी एसी के कपड़े लेने की। अब है ना वो कि आपको किसी जगह के कपड़े पसंद आ जाएं, फिर उसके बाद वहाँ के बिना कहीं से आप ले नहीं सकते हो, तो वही हमें हो गया पाकिस्तान के साथ। हमें पाकिस्तान के कपड़े अब इतने ज़्यादा पसंद आ गए हैं कि हम कहीं और के कपड़े नहीं अब ले सकते हैं। वो तो ज़्यादातर तो छोटी दीदी, उसको तो पता नहीं क्या हो गया है, उसको नहीं ले सकती कहीं और के कपड़े। तो अभी मैं चेंज करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मामा इस लड़के से मैंने तौबा की है, इसके साथ के बाद बाहर नहीं जाना है, सुना? इससे तौबा की है मैंने। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने कमरे की सफाई। मैंने कल मीशो से मंगवाए थे ये, क्या इसको बोलते हैं, वो होते हैं ना सूट वगैरह, साड़ी वगैरह, जिसके पास साड़ी होगी वो साड़ी रखेगा, जिसके पास सूट होंगे वो रखने के लिए, इनमें कीड़े नहीं लगते हैं। सो ये स्टोरेज बैग्स मैंने मंगवाए हैं, ये इसमें ये करके फिर मैं इसमें रखूँगी। सो इसमें मैं अभी सूट्स डाल रही हूँ, तो यस बहुत ज़्यादा काम है।
मैंने कर दिया है ये सब कुछ, और अभी मैंने सिर्फ बेड ठीक करना है। लाइक ये बेडशीट जो ये जमा होती है ना, जहर लगती है मुझे ये, मुझे मतलब एक भी सलवट नहीं होनी चाहिए बेडशीट में। तो ये बेडशीट ठीक करनी है और कपड़े तय करने हैं, दैट्स इट। उसके बाद हो जाएगा मेरा कमरा साफ और मैं ले सकती हूँ सुकून के साथ सांस। एक्चुअली मुझे ओसीडी है ना, उसकी ओसीडी मतलब आई डोंट नो किस लेवल का है, बट मेरे को सफाई के साथ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। मेरे को थोड़ा सा भी इधर से उधर चीज़ हिली हुई दिख जाती है ना, तो मुझे ऐसा ना वो हो जाता है। सो इसलिए मैं करती हूँ जल्दी से सफाई, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके सो दिस वॉज मच नीडेड। मुझे इतना ज़्यादा सर में दर्द था कि सर से ज़्यादा मुझे बैक में पेन है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ज़्यादा दर्द है। सो अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं, हाँ 7:45। तो ये चाय जो है मेरा लास्ट मील है, इसके बाद मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, पानी पीऊँगी। आज मैंने पानी भी सिर्फ 2 ही लीटर पिया है, तो अभी 1 लीटर और पीना है, तो वो पीऊँगी। उसके बाद देखते हैं क्या करती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या ही करूँगी। तो इसी के साथ साथ हम इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक लियो गाइस, नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लस फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक लिया अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय एवरीवन। दिस इज सिद्धू। सो और क्या मुझे बोलना था, मुझे कुछ बोलना था, मुझे भूल गया क्या बोलना था यार, छोड़ रहा है तो बाद में याद आएगा, बाद में बोल दूंगी। तो फिलहाल होती हूँ मैं तैयार। मैंने बता दी थी, चलो वीडियो बताई।